Very good morning to all of you. Now today we will study how an electric current flow in a conductor or a wire. We know that electrons are the current carrier. अभी हम लोग जान रहे हैं कि current carrier conductor में electron होता है. So ऐसे में electrons, those electrons which are free to move in a conductor and they do not have the any affinity with their parent atom. They are free to move in a lattices or structure or the crystal structure. देखो अभी बता रहे हैं कि जो free electrons conductor में होता है वो अपने parent atom से किसी तरह की affinity को नहीं रखता है, वो उसके साथ अटैच नहीं होता है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे कंडक्टर में कहीं भी रेंडमली मूव करता है. जैसे उदाहरण के लिए यहां हमने एक कंडक्टर लिया है और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहे हैं, ये नेगेटिव स्पिन दिख रहा है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये जो कंडक्टर आप लिए हैं, इस कंडक्टर में कहीं भी जाएगा, मूव करेगा इन एनी डायरेक्शन. दे आर नॉट हैविंग एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, इनका अभी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहेगा. और दे शो द रेंडम मोशन, और ये क्या दिखा रहा है कि अपने को रेंडम मोशन में दिखा रहा है. ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग हेयर एंड देयर, इधर उधर मूव कर रहा है और नेट जो वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी या नेट इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो. क्या क्या बात हम जाने कि किसी भी कंडक्टर में करंट कैरियर आर द इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, इन ए कंडक्टर करंट कैरियर, करंट कैरियर इज एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन आर द करंट कैरियर इन ए कंडक्टर. किसी भी कंडक्टर में करंट को, धारा को, करंट को फ्लो कराना कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है. और कैसा इलेक्ट्रॉन करता है? दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर. यहां हम दूसरी बात कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर ऑफ द करंट, कैरियर ऑफ द करंट इन ए कंडक्टर. देखो बेटा, अभी हमने पहले बताया कि कंडक्टर में करंट को ले जाने वाला इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किसी भी कंडक्टर में फ्री स्टेट में होता है. दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स लाइ फ्रॉम द वैलेंसी, लाइ फ्रॉम 1, 2, 3. वैलेंसी लाइज फ्रॉम, वैलेंसी लाइज फ्रॉम, फ्रॉम 1, 2, 3 अप टू दिस वैलेंसी द कंडक्टर वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री एंड अप टू दिस वैलेंसी द एलिमेंट्स आर नोन एज कंडक्टर. सो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूव करता है और वो किसी भी डायरेक्शन को मूव करता है. इस ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मूव इन ए रेंडम मोशन. इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्स इन रेंडम मोशन, रेंडम मोशन. There is no particular direction to move of these free electrons. ये zigzag path पे move करता है, इधर से चल रहा है, हो सकता है थोड़ी देर बाद यहाँ टकराया, टकराने के बाद वो दूसरा direction आया, फिर इधर आया और इस तरह करके ये direction बदलते रहेगा और एक random motion को move कराएगा, zigzag path को move करेगा और ऐसे में initial velocity of these electrons is zero. क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ
These electrons are zero. इसका मतलब initial velocity u is equal to u vector is equal to zero. So net value यहाँ पर velocity का क्या हो गया? Zero हो गया. तो ऐसे में ये एक direction को flow नहीं कर रहा है, एक direction में नहीं जा रहा है. तो ये धारा नहीं बना रहा, ये current नहीं बना रहा है. कोई भी conductor ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ iron लिया है, देखो ये iron है, और इस iron को हम हाथ से पकड़ दें. क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रेंडम मूव कर रहा है और नेट वेलोसिटी इसका क्या हो गया? जीरो है. लेकिन जब हम इस कंडक्टर को किसी करें पोटेंशियल के साथ ही लगाएंगे, जब हम इस कंडक्टर को किसी फील्ड में लगाएंगे, पोटेंशियल में के साथ लगाएंगे, बैटरी के साथ लगाएंगे, सोर्स के साथ लगाएंगे, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन्स एक धारा में मूव करेगा. दीज इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो अभी इस एग्जांपल इसको देखें हम लोग, और इसमें हमने क्या क्या बात जाना कि रेंडम इलेक्ट्रॉन्स रेंडम मोशन करता है, ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिगजैग पाथ को मूव करता है और नेट करंट यहां पर जीरो है. लेकिन जब भी हम यहां पर अब दूसरा फिगर को देखो और दूसरा फिगर को समझो, अब इस फिगर में हम बात कर रहे हैं कि जब हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, पोटेंशियल अप्लाई किए, पोटेंशियल डिफरेंस आया बिटवीन द टू एंड्स ऑफ दिस कंडक्टर और द वायर कहीं पर भी. अब हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लगाए? हमने एक सोर्स लगा दिया, दैट इज द बैटरी. हमने एक सोर्स लगाया और वो सोर्स बैटरी है. तो ये बैटरी की के साथ दे दिए और यहां पर हमने पोटेंशियल लगा दिया पॉजिटिव और निगेटिव. नाउ ऐसे में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स था, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फॉलो कर फ्लो करने लगेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को ऑब्वे करेगा और ऐसे में ये एक धारा बनाएगा. इट विल मेक ए फ्लो फ्लो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा और ऐसे में ये करंट बना रहा है और ऐसे में ये करंट शो कर रहा है. करंट का मतलब द मोशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन पे ये मोशन हो रहा है. अब देखो बेटा, यहां पर आपने पॉजिटिव लगाया, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव है, ये पॉजिटिव की ओर ड्रिफ्ट कर गया एंड दे गेन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. Drift velocity. That velocity Vd. अब ये drift velocity से ये move करने लगा और यहां हम देख रहे हैं कि ये drift velocity Vd आप लिखे, मैंने सभी electrons एक minimum velocity acquire किया और वो सभी एक धारा के साथ move करने लगा, एक तरह से एक धारा से एक तरफ move करने लगा क्योंकि आपने यहां पे potential लगाया. जब हम पोटेंशियल लगाते हैं तो उस जगह पे एक फोर्स एक्ट करता है और वो फोर्स सभी इलेक्ट्रॉन को के ऊपर एक्ट करता है. जो इलेक्ट्रॉन पहले इधर उधर जा रहा था, जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अलग अलग था, वे सभी एक डायरेक्शन में आ गया. कैसे आया? इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स पड़ा और वो फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्योंकि जब आपने पोटेंशियल लगाया तो इनके बीच में फील्ड तैयार हुआ एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड. ये क्या तैयार हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड. और इस फील्ड में फोर्स तैयार हुआ, दैट फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इलेक्ट्रॉन इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये फोर्स एक्सेलरेशन किया क्योंकि सभी अपने अपनी जगह में जा रहा था. अब उन सभी को एक डायरेक्शन में चलना है तो सभी को एक्सेलरेट होना है. दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आया आपके पास? दैट फोर्स टू द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल. और यहां चार्ज के रूप में हमने क्या लिया है? इलेक्ट्रॉन्स लिए. क्या है? दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स. तो ऐसे में अब ये फोर्स एक्वायर किया, दैट इज ई ई बाई एम, और ये सभी वेक्टर है तो हमने यहां दिखा दिया. नाउ समझो बात को कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी सभी एक डायरेक्शन में कैसे आया. तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्लास 9 में पढ़े हैं, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन. अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इज इक्वल टू यू प्लस एटी ले लिए.
देखो u इनिशियल वेलोसिटी आपने यहां पर लिखा था कि इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू जीरो, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। क्योंकि सभी का डायरेक्शन अलग अलग है तो जब हम सभी को जोड़ते हैं तो हमको इनिशियल वेलोसिटी जीरो मिलता है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी दिस u इज इक्वल टू जीरो, u को हमने यहां पर जीरो मान लिया। तो अब बच गया at और ये at आपके पास से a का वैल्यू ऊपर में है, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू ee बाय m इनटू t। नाउ दिस अकॉर्डिंग टू दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी द इलेक्ट्रॉन्स द चार्ज पार्टिकल व्हिच आर फ्री इन द कंडक्टर दे स्टार्ट मूविंग अपोजिट मींस अलोंग द टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। ऐसे में ये एक धारा एक करंट तैयार किया और वो करंट क्या कहलाया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट और दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट मींस देयर इज द करंट। यहां पे करंट आया, ये क्या आया, करंट आया यहां पे। इसको देखो अब यहां पर करंट है, अब करंट कौन सा है, करंट माने फ्लो, that is the flow of electrons and this flow of electrons is known as electronic current। इसको क्या कहेंगे, electronic current। लेकिन electronic current अभी हम यहां पर बना देते हैं और देखो यहां पर जब electron move करता है एक particular direction में, जब आपने यहां देखा तो इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर रहा है, आपने बैटरी लगाया या सोर्स लगाए, सोर्स लगाने के बाद दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन मूव किया तो ये इलेक्ट्रॉन करंट हो गया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन करंट। बट पॉजिटिव को हम लोग क्या लेते हैं, हाई पोटेंशियल, और निगेटिव को क्या लिखते हैं, लो पोटेंशियल। तो लो पोटेंशियल, हाई से लो पोटेंशियल की ओर जाना, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। एक्चुअली व्हाट हैपन, क्या होता है वास्तव में, इलेक्ट्रॉन का मोमेंट होता है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो पॉजिटिव दैट इज द स्पेस दैट विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। और जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव का मूवमेंट होता है, ये पॉजिटिव आप देख रहे हैं, दीज आर द पॉजिटिव कैरेक्टर, इस पॉजिटिव कैरेक्टर को यहां पर हम दिखा रहे हैं, पॉजिटिव ये हो गया, पॉजिटिव यहां भी ले लिए, तो ये फ्लो ऑफ द पॉजिटिव करंट, दैट करंट इज नोन एज कन्वेंशनल करंट आई, और ये कन्वेंशनल करंट कहलाया, क्या कहलाया, कन्वेंशनल करंट। तो हम लोग जाने कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वन डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव को कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। सो ऐसे में हम करंट के डायरेक्शन को भी देखे, क्या क्या बात हम लोग समझे, फिर सबसे पहला बात हमने समझा कि फ्लो ऑफ द चार्ज, फ्लो ऑफ द करंट जो हो रहा है किसी भी कंडक्टर में, दैट एक्चुअली दैट इज द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अर्लियर मोशन इज द रेंडम, सो नेट वैल्यू इज द जीरो, तो आपको करंट नहीं लगता है, लेकिन जब हम पोटेंशियल लगा देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, तो सभी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो जाता है एक डायरेक्शन में, और ऐसे में वो करंट का फॉर्मेशन करता है, इट विल प्रोड्यूस द करंट, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स विल क्रॉस द क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम, सो दैट इज कॉल्ड द करंट। करंट वी विल स्टडी फर्स्ट, यहां पर हम सिर्फ फ्लो कैसे होता है और किस फ्लो को हम करंट कहते हैं और करंट का डायरेक्शन क्या होता है। अब देखो बेटा, छोटा सा बात और हम यहां करने जा रहे हैं कि जो फ्लो आप देखें वो फ्लो अगर इलेक्ट्रॉन का है तो दैट मींस इट विल मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। देखो यहां पर हमने ये लिया हायर पोटेंशियल, सपोज करो कि इट इज द हायर पोटेंशियल एच, और यहां पर हम लिख रहे हैं दैट इज द लो पोटेंशियल, ये हो गया लो पोटेंशियल। अब करंट अगर हाई से लो की ओर जा रहा है, इफ द करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, करंट फ्रॉम हाई टू लो,
हाई टू लो, हाई टू लो। तो ऐसे में इस करंट को क्या कहेंगे? कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा लो से हाई की ओर जाता है, लो से हाई की ओर जाता है। तो ऐसे में अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन करंट इज नोन फ्रॉम मूव फ्रॉम द लो टू हाई, इलेक्ट्रॉन करंट मूव फ्रॉम द लो टू हाई, लो टू हाई, एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। डायरेक्शन भी हमको मिल गया, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। सो हमने जाना अभी कि फ्लो कैसे होता है और फ्लो होने का कौन कौन कारण है और इलेक्ट्रॉन करंट कैरियर है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स यूनिट। थैंक यू।